राम राम मंडली, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के एक और ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर से, मैं अपने भाई के साथ जो गधे की तरह मुंह कर रहा है, हम आए श्रीमद दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। इसको महाराष्ट्र में बहुत मान देते हैं, जो कि कॉरपोरेशन के ठीक सामने है, मे भी एक 600 मीटर डिस्टेंस पे, लेकिन शनिवारवाड़े के पास ही है और लाल महल के सामने विश्राम बागवाड़ा के पीछे, मतलब उसके पीछे बुधवार पेट के अंदर, तो वहीं पे ब्लॉग शूट करेंगे एंड आगे की शुरुआत वहीं से करती है। चलिए तो अभी हमें सीधा मंदिर के सामने एंड आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो इस मंदिर को, मतलब ये मंदिर के ओनर जो थे श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई, उनकी शॉप है आगे काका हलवाई करके। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर एंड अपने जूते खेटर जो सब है वो यहाँ हम छोड़ देते हैं, भगवान की कृपा से हम आते जब तक आए तब तक वो सुरक्षित रहे एंड कुछ गायब ना हो। अंदर चलते हैं इसके। हमारे चालू पीछे की एंड हमें अंदर एंट्री करने वाले ने अपनी पीठ पे बैग लटका के रखी थी, गधे के पीठ पे वजन रहता वैसा, तो सिक्योरिटी वाला बोला कि वापस जाओ और मैं वहीं पे रख के आओ एंड अभी हम अंदर एंटर करने वाले हैं। उसके बाद मैंने तो कभी देखा नहीं, मतलब पुणे में एक साल से हूँ बट अभी तक कभी दर्शन नहीं किया, आज देखूँगा गणपति जी की मूर्ति सामने। एंड तो अभी हमने गणपति जी के दर्शन कर लिए एंड कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है एंड फोटो और वीडियो भी नहीं निकाल सकते आप। तो इस वीडियो की नेक्स्ट वाली क्लिप में मैं गणपति जी की एक मैंने वीडियो क्लिप शूट की है, मतलब बाहर से वो वाली डाल देता हूँ एंड अभी हम नेक्स्ट जाने वाले जो मंदिर के ओनर थे, जिन्होंने मंदिर बनवाया था दगड़ूशेठ हलवाई जी, उनके घर पर एंड दत्त मंदिर पर, क्योंकि दत्त मंदिर नीचे वाले फ्लोर पे एंड ऊपर के दो फ्लोर से वो उनका घर है। अभी उनके जो कुछ नेफ्यूज और बच्चे थे वो आ रहे थे एंड उनकी शॉप ये, तो वही दिखाता हूँ आपको। तो ये उनकी शॉप काका हलवाई बोल के स्वीट्स की दुकान एंड ये उनका दत्त मंदिर जो कि उन्होंने बनवाया था उनके बेटे की डेथ के बाद, और ये उन जो जहाँ वो रहते थे पहले, अभी इसको पेंट एंड पूरा रेनोवेशन कर दिया इसका। तो ये है दगड़ूशेठ हलवाई जी का घर अंदर से एंड ये उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पे दत्त जी का मंदिर जो कि उन्होंने बनवाया था एक महाराज जी से पूछ के एंड इसके तो दर्शन ले लेते हैं। एंड पीछे उनकी फोटोज़ भी है जो अभी मंदिर एंड दत्त मंदिर और हलवाई गणपति मंदिर का जो भी ट्रस्ट है वो श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई जी की जो पत्नी थे लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई उनके नाम से चलता है। ये उनकी फ़ोटो एंड सॉरी कि ये इन्हें नहीं जानते एंड ये है उस टाइम के शेठ जिन्होंने गणपति मंदिर को बनवाया था अपने बेटे के डेथ के बाद महाराज जी से पूछ के। सो ये है श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई, मतलब उस टाइम के सबसे अमीर सिटीजन पुणे के। सो ये पूरी बुधवार पेट उनकी है ऐसा कहा जाता है एंड ये दत्त मंदिर की दत्त जी की मूर्ति सामने से दिखा देता हूँ आपको। लोग कहते हैं मेरे भरता में बदलाव आया है, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? अर्थ में तेरा भाई हो। तो अपना दर्शन वाला काम हो गया एंड बेसिकली मेनली मुझे लेना था मेरे लिए नीट्स की बुक, नीट यूजी की, क्योंकि मैं अभी डॉक्टर बनने वाला हूँ। क्या बोला तूने? आपको सीएम सुमित भाई MBBS, तो उसके लिए बुक्स देखने आया हूँ क्योंकि दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के लेफ्ट साइड में एक गली है, वहाँ पर वहाँ से आप शॉप से वहाँ पर बुक की पूरी स्टेशनरी शॉप की पूरी गली है, वहाँ से बुक लूँगा एंड अब दुकान वालों से पूछता हूँ कि बुक है कि नहीं। तो अभी अभी गया था बुक स्टोर एंड भाई को बोला कि मुझे नीट यूजी की बुक्स चाहिए, तो भाई बोलता है नीट यूजी की बुक्स नहीं, उससे रिलेटेड कुछ देता हूँ। तो उसने दिया मुझे दिया उसने एक नीट का 2008 से लेकर अभी 2024 तक क्वेश्चन पेपर का सेट रहता ना वो पूरा बुक दिया एंड उसका सॉल्व सेट भी दिया। तो अभी जब पढ़ाई नहीं चालू किए तब तो वो क्वेश्चन पेपर
कैसे सॉल्व करूंगा और उसका आंसर सेट भी रहा तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। तो फिर मेरे दिमाग में विचार आया, जब पढ़ाई नहीं चालू की है तो क्वेश्चन पेपर का सेट इसकी माँ सॉल्व कर देती थी इसका बाप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब लोग धंधे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चुतियागिरी भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने भी सोच लिया लोगों के ऐसे कारणों की वजह से मैं भी अभी डॉक्टर बनना कैंसिल करने वाला हूँ। खाओ माँ कसम। एंड यूट्यूब को ही अपना पार्ट टाइम करियर चुनूंगा, फिर फुल टाइम किसी ही और इंडस्ट्री में पैर रखूंगा, पैर नहीं पूरा शरीर रख दूंगा। अभी तो मेरा नीट का कैंसिल हो गया, जब तक मेरे दिमाग में नहीं आएगा, अभी दो घंटे बाद नीट का दिमाग में आ गया तो मैं फिर से नीट की बुक्स लेने जाऊंगा। एंड उस वाले भाई के पास तो नहीं जाऊंगा क्योंकि साला पहले बोलता है क्वेश्चन सॉल्व करो बाद में किताब पढ़ो, अभी का घंटा पड़ेगा गधे हम। तो आज इसी के साथ आज का अपना पूरा कार्यक्रम होता है ख़त्म। एंड वो ये मैं क्या देख रहा हूँ, देश का भविष्य अभी सो रहा है। एंड एक भविष्य कब जगेगा कुछ पता नहीं, हम अपनी सड़क पे चलते रहेंगे, ये हमारा रास्ता कायम है। देश का भविष्य सो रहा है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को स्टे कनेक्टेड। हाँ क्या बोला तू, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हाँ बेल आइकन को क्लिक करना है, नहीं तो इसका मुंह पसंद नहीं आया तो वही बेल आइकन इसके मुंह पे मारो, फूटा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।